नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेड न्यूज की एक और खास खबर में। उत्तराखंड में अब कड़ाके की ठंड दस्तक दे चुकी है, साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कप कपाने वाली ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानी इलाकों में सुबह शाम ठंड के साथ ही कोहरा भी लगने लगा है। आपको बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के मैदानी इलाकों के लिए कोहरे का येल्लो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। बात पहाड़ी जिलों की करें तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में हिमपात की आशंका भी जताई गई है। वहीं हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कोहरा छाया रहेगा। बता दें, उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक इस साल अक्टूबर से अब तक 34% कम बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के पिछड़ने के बाद फिलहाल घने कोहरे के कोई आसार नहीं है। बता दें, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले साल भी पहाड़ी जिलों में कम बारिश और बर्फबारी के चलते नवंबर और दिसंबर महीने में कम ठंड पड़ी थी और इस साल भी यही पैटर्न नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मौसम से जुड़ी खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे जे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।